आज हमारे साथ मौजूद है यंग एंड टैलेंटेड एक्टर मोहित मदान। जी हाँ, जल्द ही आप उनको देखेंगे अक्सर 2 में। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोहित, इस मूवी के बारे में अगर बात करें, ट्रेलर्स की अगर बात करें, तो ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में आपके कैरेक्टर की अगर बात करी जाए, तो क्या आपका कैरेक्टर ये है इसमें? जी, अक्सर 2 वैसे तो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। ट्रेलर आप सबको पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। एंड ऐसी उम्मीद है, गाने भी आपको पसंद आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि फिल्म भी दर्शकों को पसंद आए। एंड सिंस इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर जॉनर, इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है बच्चन सिंह, एंड वो भी कहीं ना कहीं इस जाल में फंस चुका है। सब बुरी चीज़ों की जो जड़ होती है वो पैसा होता है, अक्सर ये आप सुनते आए हैं बचपन से। तो ये भी एक गेम है, ऐसे लगता है कि ईजी मनी जो है, हम रातों रात अमीर हो जाएँ। हर इंसान एक खुदगर्ज होता है, वो पैसे की खोज में है, लेकिन वो इतना आसान दिखता नहीं है। जो ईजी चीज़ें होती हैं, ईजी मनी, शॉर्टकट्स जिसको हम कहते हैं, they always come with consequences. Okay, so we can say it's like a money trap movie. You can say it's exactly a money trap. It's very attractive. लेकिन जब आप फंसते हो किसी चीज में, फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। तो ये फिल्म में यही है, एक इंटेंस माइंड गेम है। एवरी पर्सन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो जाता है, एंड क्या मैं निकल पाऊंगा या वो निकल पाएंगे, क्यों हमारे कैरेक्टर्स फंस जाएंगे, क्या होएगा, तो आपको 6 अक्टूबर को पता चलेगा। जी, इससे पहले आपकी मूवी आई लव एक्सचेंज, आपने डायरेक्टर के साथ काम किया। अब आनंद जी के साथ आप काम कर रहे हैं, राइटर हैं वो, डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, तो कितना सपोर्ट यहाँ पर आपको मिला एक्टिंग के नजरिए से देखने के लिए, कितना सपोर्ट मिल पाया? मैं हमेशा यही कहता हूँ, आनंद जी जो है, बिकॉज इज एन एक्टर, एक वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। एक तो वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हिम इज सिंपलिसिटी, एंड वो एक्टर या डायरेक्टर से पहले आपके दोस्त बनते हैं सेट पे। जब आप उनके साथ दोस्त हो, मतलब कह सकते हैं दोस्ती वाला माहौल यहाँ पर सेट पर देखने, दोस्ती वाला माहौल है, बहुत कंफर्टेबल माहौल था। स्ट्रिक्टनेस जो दिखती है डायरेक्टर की, पंक्चुअल टाइम का और ये सब तो रहा होगा, लेकिन एक्टिंग करने में थोड़ा इजी रहा होगा, कि थोड़ा डर ज्यादा नहीं रहा होगा? नहीं, डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन, जो भी आप काम करें डिसिप्लिन होना जरूरी है। एंड इनके साथ डर की तो बात नहीं थी, लेकिन हाँ, जब काम चाहिए, जब ये चाहिए, ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन उनका समझाने का नजरिया जो था, समझाने का तरीका जो था, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड बिकॉज वो एक्टर भी हैं, तो वो एक चीज प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनको दूसरे एक्टर्स को बताने के लिए आसान हो जाता है। को एक्टर्स की अगर यहाँ पर आपकी बात कर ली जाए, जरीन खान आपके साथ, अभिनव शुक्ला आपके साथ थे, काम करने का एक्सपीरियंस किस तरीके का उनके साथ रहा आपका? देखिए, इन सबसे कम एक्सपीरियंस मेरे पास है। जरीन खान, अभिनव शुक्ला, गौतम रोड़े, श्रीशांत एंड ललित दुबे जी, तो ये सब मेरे लिए तो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं। तो इनके साथ काम करके मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैं नर्वस था थोड़ा बहुत, कि यार सब की कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखेगा या डिफिकल्टी महसूस होगी। लेकिन जब मैं सेट पे गया तो ऐसा कुछ नहीं था। जरीन इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, और अदर एक्टर्स ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। ऐसे लगा नहीं कि मैं एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे लगा कि वो दोस्त हैं। तो वो ऐसी सीरियस शूटिंग में जब होती है, सीरियस सीन्स के बीच में भी हंसी मजाक चलता रहा। अक्सर जब आप इस इंडस्ट्री की तरफ रुक करते हैं, तो कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है, किसको देख के आप चाहते हैं कि हाँ, मैं भी बिल्कुल इसी की तरह बनूं और यहाँ पर हूँ, तो आपको कौन इंस्पायर करता है? जी, रियल लाइफ में, असली जिंदगी में, बिकॉज आई एम इन द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, तो वो दो चीजें हो गई अब। तो रियल लाइफ इंस्पिरेशन इज माई फादर, एंड रियल लाइफ मैं बचपन से शाहरुख खान को देखता आया हूँ, लेकिन उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं, आप अपना बी योर सेल्फ और अपनी ही एक रीच बनाए, लेकिन इंस्पिरेशंस हो उनसे सीखें, बिकॉज यू गेट मोटिवेटेड सीइंग कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, तो वो एक चीज है। अभी आपके अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर ली जाए, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं आने वाले इस मूवी के बाद? जी, सबसे पहले तो अक्सर 2 आ रही है 6 अक्टूबर को, एंड उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा। फॉलो कीजिए फेसबुक पे। लेकिन एक मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है वो इश्क तेरा, वो हर्षिता भट्ट के साथ, जिसमें ऑन स्क्रीन हर कैरेक्टर प्लेज माई वाइफ, एंड वो जो टॉपिक है इट्स बेस्ड ऑन स्प्लिट पर्सनैलिटीज। जैसे अक्सर आजकल होता है, जैसे आपके आप बचपन में कोई हादसा या कोई पल आपकी लाइफ में गुजरा हो, वो आपके साथ रह जाता है और हम धीरे धीरे एक दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। तो क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से उसकी कोई दवाई नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपको कैसे पेश आना चाहिए या उसको आप कैसे रिजॉल्व करें, वो फिल्म में दिखाया गया है। तो जो फिल्म है, इट्स बेसिकली अबाउट फैमिली, लव एंड कमिटमेंट।
ओके मोहित, अगर इस मूवी की पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो काफी सारे इंसिडेंट ऐसे रहते हैं जब आप काफी हंसे हो और बहुत चीजें होती हैं सेट पर, तो कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के साथ? जी, अक्सर टू की शूटिंग के बीच में तो बहुत हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन एक सीन हम कर रहे थे जरीन और मैं, उसके बाद जरीन के हाथ में ट्रे थी एंड वो सीन के बीच में ट्रे जानी थी कहीं और वो आई मेरे सर पे, तो वो शॉट के बीच में ही हम लोग इतना हंसना शुरू हो गए कि सबको हम लोग भूल गए कि मुझे कुछ हुआ था तो लेकिन हम वापस रिज्यूम किया हमने एंड सीन खत्म किया, उसके बाद भी फिर हम हंसते रहे। मोहित, जाते जाते अब हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूंगा जैसे आपको पहली फिल्म भी पसंद आई थी अक्सर, उसके गाने भी पसंद आए थे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी अक्सर 2 को इतना ही प्यार देंगे और हो सके तो उससे ज़्यादा देना एंड ज़रूर 6 अक्टूबर को फिल्म देखने जाना थिएटर में। एंड याद रखिएगा कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो इसमें ये 2 घंटे की फिल्म है लगभग, और आप अगर आपने अपना ध्यान हटाया तो आप शायद कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे, तो कीप गेसिंग, गेस करते रहो आगे क्या होने वाला है और ये आपको अपनी सीट पर रखेगी। मोहित, बेस्ट ऑफ लक फॉर मूवी, आई होप ब्लॉकबस्टर ये हो। जरूर जाएगा 6 अक्टूबर को अक्सर 2 मूवी देखने के लिए। कैमरामैन मदन के साथ शिल्पा रावत।